एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति 2। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो डीयू का कैंपेन चल रहा है, डीयू प्रोटेस्ट, ये वर्क करने वाला है, क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, खैर उसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एंड वांट टू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 2 मंथ, व्हाई डोंट यू ट्राई स्टडीशिप लाइव क्लासेस। सो नंबर इज गिवन हियर, 6390665726, जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट देयर एंड वी कैन डिस्कस अबाउट इट हियर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मेन वीडियो। तो यार, डीयू का कैंपेन चल रहा है, आपको पता है, ट्विटर, इंस्टाग्राम किस लिए, इंस्टाग्राम इज फॉर शोइंग ऑफ, फेसबुक पुराना हो गया है, स्नैपचैट पे लोग शिफ्ट हो गए हैं, ट्विटर इज फॉर प्रोटेस्टिंग। मतलब इनफैक्ट आई कंसीडर कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपकी शिकायतों का समाधान यहाँ पे एक्चुअली में मिल जाता है। और यही कुछ डीयू के स्टूडेंट्स ने भी फाइंड आउट किया। यहाँ पे फिलहाल चल रहा है डीयू प्रोटेस्ट वाला कैंपेन, और स्टार्टिंग में जो लोग इसको लाइटली ले रहे थे उनको ये बताने की जरूरत है कि ये वर्क कर रहा है गाइज, तो ये हमारी डिमांड को आगे रख रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे थे कि ये केवल एक चीज है जो चल रही है, बट वर्क नहीं करेगी। आप पिछले 2-3 दिन में अगर ट्विटर पे एक्टिव रहे हो तो आपको पता होगा कि 50,000 से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं रिगार्डिंग दिस ड्यू प्रोटेस्ट, क्योंकि यार ड्यू है 1 साल से बंद। और पॉइंट तो बनता है कि यार ये ड्यू जाता क्या है, कब खोलेगा। यू नो वट, सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस की जो सबसे अच्छी बात है ना, मैं बोलूंगी ड्यू को छोड़ के, दे मेड क्लियर, हम 1 साल नहीं खोल रहे, हम सेकेंड सेमेस्टर नहीं खोल रहे, हम थर्ड सेमेस्टर नहीं खोल रहे। ड्यू ने एक बार भी ये चीज नहीं बोली। ड्यू हमेशा, मतलब ये था कि फॉर टेम्पररी सिचुएशन, आगे देखा जाएगा। यार पता तो है ना कि बाकी कॉलेजेस क्या धुएं में लट मार रहे हैं क्या, ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। नहीं, कोई ना कोई तो बेस होगा ना, तो फिलहाल दे मेक क्लियर, मतलब ये बोल सकते हैं कि फिलहाल 4 सेमेस्टर के लिए बंद, पूरा बंद, आपका वो भी होगा नहीं बताएंगे, वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस करवाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस के बाद आपको सस्पेंस में डाल देंगे कि एग्जाम्स वो भी होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे, फिर बाद में सस्पेंस खोला जाएगा एग्जाम्स कुछ दिन पहले और फिर बताया जाएगा। ऐसे ना इधर पे जाना अटक जाती है। आई स्वेयर आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई नो दैट यहाँ पे जाना अटकी है। स्पेशली जो आउट स्टेशन स्टूडेंट है उनको यार बहुत ज्यादा इशू होता है। आई डिडंट वैकेट माई फ्लैट फॉर अ ईयर जस्ट बिकॉज मुझे लगा कि कॉलेज खुल जाएगा। इन लोगों ने स्टार्टिंग में पता ही नहीं था। आई यूज टू आस्क माई प्रोफेसर ईच एंड एवरी डे, आई यूज टू आस्क माई लाइब्रेरियन ईच एंड एवरी डे, आई यूज टू आस्क, मतलब मेरा ऑफिस में अंदर कॉन्टैक्ट था, वीडियोज वगैरह के चक्कर में हो गया था, तो हर एक पर्सन से पूछा, दे आर लाइक कि हाँ हाँ खोल सकते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं है क्या हो सकता है। मतलब मैंने लिटरली अपना 1 साल पैसा बर्बाद किया है इन जस्ट गिविंग माई रेंट। आप सोच रहे हो कि आपने 1 साल रेंट भी क्यों दिया, आ जाते। यार एक बात बताओ, जब डीयू बंद हुए थे तो पता था क्या, केवल इतना पता था कि हाँ दिवाली तक खुल जाएंगे, ठीक है। तो आई वॉज देयर इन दिल्ली फॉर जून तक मैं वहीं पे रही थी, फिर बाद में आई थी, तो दिवाली तक खुल नहीं तो छोड़ने का क्या फायदा। फिर सुनने में आया कि न्यू ईयर तक खुल सकते हैं, फिर सुनने में आया कि होली तक खुल सकते हैं, फिर सुनने में अभी कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये है, अभी ये क्लियर समझ में आ रहा है कि दिसंबर तक इनकी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है। होप सो इनकी प्लानिंग हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। ऑनलाइन कोचिंग में हमने जो चीजें मिस की है ना, आई स्वेयर दैट वी आर गोइंग टू मिस ऑल दोस, क्योंकि देखो इतनी अच्छी पढ़ाई हुई नहीं है, इतना तो हम सभी विटनेस है ही इस बात के, ना हमें इतना अच्छा स्टडी मटेरियल मिल पाया, ना हमें इतनी अच्छी क्लासेस। मतलब फिर भी अगर टीचर अच्छा भी नहीं पढ़ा रहा है तो क्लासरूम में आप उसको परेशान कर सकते हो, परेशान इन द सेंस की कैन आज द थिंग्स, यहाँ तो टाइम ओवर हुआ, क्लास एंड हो जाती है, हो गया। तो ड्यू का प्रोटेस्ट फिलहाल जो चल रहा है वाकई में सही चल रहा है। हाँ, इस सेमेस्टर के लिए अगर नहीं खोलते हैं, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस तो जारी कर ही दी है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में कंडीशन को रिव्यू करते हुए एटलीस्ट दे शुड मेक क्लियर, बता तो दो बच्चों को कि क्या करना है। ये क्या, मतलब गुस्सा आ रही है, सबको गुस्सा आ रही है। सो सी दैट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क एंड कब खुलता है। जब तक भी अपनी कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हालत हुई है, आप आउट स्टेशन स्टूडेंट हो, क्या आपने पीजी लिया था, और क्या आपने तुरंत कोविड के बाद अपने पीजी वगैरह को वैकेट कर दिया था। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट कि मेरे जैसे कितने लोग फंसे हुए थे वहां पे। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर ड्यू स्टूडेंट। आई विल बी गिविंग यू डेली ड्यू अपडेट ऑन टू दिस चैनल एंड विल मीट सून टू आवर नेक्स्ट वीडियो।